बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग करने की मांग की है। संजीव बालियान की मांग पर विपक्षी दलों के नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। बीएसपी इस मांग के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रही है तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि यूपी बंटवारे की मांग तो उनकी पार्टी पहले से ही करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन की कामयाबी से घबराई बीजेपी ऐसी मांग 9 साल के बाद क्यों उठा रही है। लेकिन दिलचस्प यह है कि संजीव बालियान की इस मांग के खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही पूर्व विधायक संगीत सोम ने विरोध की आवाज को बुलंद कर दिया है। संगीत सोम का कहना है कि पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम जनसंख्या असंतुलन इतना अधिक हो गया है कि अलग पश्चिमी यूपी की मांग खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी के हिस्सों को दिल्ली में शामिल करने की मांग की है। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल बंटवारे की मांग भी कर दी है। यूपी से अलग पूर्वांचल को अलग राज्य के तौर पर मान्यता दी जाए। हालांकि इस तरह की मांग पहली बार नहीं उठी है। खासकर बहुजन समाज पार्टी काफी पहले से ही यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग करती रही है। मायावती सरकार ने तो साल 2011 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भी भेज दिया था, लेकिन यूपी का बंटवारा नहीं हो सका। अब प्रशासनिक सुविधा, हाईकोर्ट, एम जैसे संस्थानों के हवाले से ये मांग की जा रही है कि पश्चिमी यूपी अलग होगा तो समृद्ध और सुखी रहेगा। लेकिन ये मांग सिर्फ एक नेता की ओर से की गई है। ऐसे में सवाल है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों के पक्ष में रहने वाली बीजेपी क्या यूपी को फिर से 4 टुकड़ों में बांटने पर विचार कर सकती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में संजीव बालियान का अलग पश्चिमी यूपी की मांग सिर्फ चुनावी शगुफा है? और क्या यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने से राज्यों के विकास में तेजी आएगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर पॉलिटिक्स के पिटारे से उत्तर प्रदेश के बंटवारे का शिगुफा छेड़ दिया गया है। दिलचस्प ये है कि एक ही दल में 2 सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। मैं खोल कर कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। क्या चाहते हैं कि बनना चाहिए या नहीं बननी चाहिए अलग राज्य यूपी से? अलग राज्य बनाने के लिए, पर यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं। इसको केवल भ्रमित करने के लिए आप कभी पूर्वांचल की बात करते हो, कभी पश्चिमांचल की बात करते हो। आप 9 साल हो गए अभी तक बैठे थे। उत्तर प्रदेश बटेगा या नहीं, चुनाव के ठीक पहले क्या यूपी बंटवारा सिर्फ सियासी खेल है या सरकार के अंदर कुछ चल रहा है, कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के सांसद संजीव बालियान ने जब रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पश्चिमी यूपी को बांटने की मांग की और उस पर कायम भी रहे। हमारा हाईकोर्ट 750 किलोमीटर दूर है दोस्त। लाहौर हाईकोर्ट हमसे नजदीक है, जाम खड़े हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय, ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए। तो सबकी, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं, और उनमें से मैं भी एक। संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने की मांग के समर्थन में तमाम दलील देते हैं। पहले से भी अक्सर यूपी बंटवारे के समर्थक नेता कहते रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट 427 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 720 किलोमीटर। यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 8 करोड़ लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह तो दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी में 72% पश्चिमी यूपी कमाता है और उस पर खर्च सिर्फ 18% किया जाता है। छोटे राज्य होने पर प्रशासनिक सुविधाओं से लेकर जनता को सहूलियत तक की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन सत्ता की सियासत में मजहब का नफा नुकसान तौलने वाले दूसरी राय रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका है, 70-80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी NCR के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाईकोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही है। हालांकि ना तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कोई खबर है और ना ही राजनीतिक पहल है और ना ही उम्मीद है।
लेकिन पहली बार ये मुद्दा सियासत की सुर्खियों में नहीं आया है। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं में भले ही यूपी के बंटवारे को लेकर दो तरह की राय दिखती हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तब की मुख्यमंत्री रही मायावती ने भी 2012 के अहम चुनाव से पहले 2011 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये मांग की थी। 21 नवंबर 2011 को मायावती ने यूपी को हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। इनमें पूर्वांचल में 32, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22, अवध प्रदेश में 14 और बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल होने थे। लेकिन तब की यूपीए 2 सरकार ने कई स्पष्टीकरण मांगते हुए इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था, लेकिन इसके बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी मौके मौके पर यूपी बंटवारे की आवाज हर मंच से उठाने की कोशिश करती रही है। 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए चीफ मिनिस्टर होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था, तो साहब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट के इसकी खुशहाली के लिए, लोगों के हित के लिए और लोगों को हाई कोर्ट आदि या सारी सुविधाओं के लिए 4 टुकड़ों में बांटा जाए। हालांकि इस बार यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की नहीं, लेकिन बीजेपी के सांसद संजीव बालियान की ओर से सिर्फ पश्चिमी यूपी को अलग करने की मांग की गई है। देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं, प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है, पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही लंबे समय से। पश्चिमी यूपी के बारे में मांग की जाती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ को बनाया जाए और इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल को शामिल कर लिया जाए। इन 6 मंडलों में कुल 22 जिलों को पश्चिमी यूपी में शामिल किए जाने की मांग की जाती है। अब ऐसे वक्त में जब केंद्र में एनडीए की सरकार 9 साल से है और अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तब बीजेपी के एक सांसद की ओर से यूपी के बंटवारे की मांग वाले बयान को ज्यादातर विरोधी दल घबराहट में ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहे हैं, जबकि बीएसपी जैसी विपक्षी पार्टी आज भी इस मांग का समर्थन कर रही है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेकर तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिलें नहीं बदल रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।